कोरोना महामारी ने अनगिनत लोगों का रोजगार छीन लिया, तो वहीं बहुत से लोगों से काम तो लिया जा रहा है, मगर वेतन देने में आनाकानी की जा रही है। कहीं वेतन ही कम दिया जा रहा है, तो कहीं चार चार महीने के बाद वेतन दिया जा रहा है। सिर्फ प्राइवेट ही नहीं, बल्कि सरकारी कर्मचारियों को भी इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। बिना वेतन के कोई 1.5 साल कैसे अपने परिवार का पेट पालता है? 1.5 साल यानी 1 साल 6 महीने, बहुत लंबा वक्त होता है ये, और उन लोगों को खासकर जिनकी माली हालत पहले ही खस्ता हो। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में एसएमसी के अंतर्गत तैनात सफाई कर्मचारियों को बीते करीब 1.5 साल से कोई वेतन नहीं मिला है। ऐसे में इन लोगों का जीवन यापन कैसे हो रहा होगा, ये सिर्फ यही जानते हैं, क्योंकि सरकार के पास तो कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, मगर सुनवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी से आने वाले एसएमसी सफाई कर्मचारी यूनियन के कोषाध्यक्ष चेतराम बताते हैं कि उन्हें स्कूलों में सफाई कर्मचारी के तौर पर 21 साल से ज्यादा का समय हो गया है, और कोरोना के आने के बाद से उन्हें कोई वेतन नहीं दिया गया है। वो सीएम जयराम ठाकुर से भी कई बार अपनी मांग उठा चुके हैं और उनसे मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनके पेशे में ज्यादातर लोग उम्र दराज हैं, जो कुछ और रोजगार भी नहीं ढूंढ सकते। सफाई कर्मचारियों की सरकार से मांग है कि उन्हें किसी पॉलिसी के तहत रेगुलर बेसिस पर वेतन दिया जाए। सीएम को कई बार इस बाबत ज्ञापन सौंपे गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शुक्रवार को वो फिर से सीएम जयराम ठाकुर से मिलने मंडी से शिमला पहुंचे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार सफाई कर्मियों के हित की बात कहती है, दूसरी ओर एसएमसी के तहत कार्यरत इन सफाई कर्मियों के लिए जयराम सरकार के पास न वेतन है और न कोई स्थायी नीति।